हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। आई सर्जरी के रूमर्स के बीच बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बार फिर स्पॉट किया गया है और इस बार वो सिद्धार्थ आनंद के बर्थडे पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए, जहां उन्होंने खास ही अंदाज में एंट्री मारी थी। वेल, आइए देखते हैं कि आखिर शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड के किंग खान और बादशाह शाहरुख खान को हाल ही में मुंबई में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के जन्मदिन के मौके पर एकदम ही अलग अंदाज में देखा गया था। बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के जन्मदिन का जश्न बीती रात के आसपास बीकेसी के एक रेस्टोरेंट में हुआ, जहां शाहरुख खान को अपनी रोल्स रॉयस में आते देखा गया था। शाहरुख खान ने अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ इस पार्टी में एंट्री ली थी और उन्होंने पाप से बचने के लिए किचन से पार्टी में एंटर किया। जी हाँ, सीधे रास्ते ना जाकर शाहरुख खान का किचन से एंट्री लेने का स्टाइल अब सुर्खियों में छा गया है। शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की बर्थडे पार्टी के लिए एक कैजुअल लुक को अपनाया था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे। शाहरुख खान ने ब्लैक टी शर्ट, डार्क ब्लू जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और काफी रात होने के बावजूद शाहरुख ने डार्क सनग्लासेस भी लगाए हुए थे। शाहरुख खान ने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा था और इंतजार कर रहे फोटोग्राफर्स को पोज दिए बिना ही शाहरुख खान ने बेहद ही शांत अंदाज में इस पार्टी में एंट्री मारी थी। अब ऐसे में उनकी आंख की सर्जरी के अफवाह को लेकर और भी अटकलें लगने लगी हैं। जी हाँ, हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि शाहरुख खान आंख की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके लिए मुंबई के एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्लान ठीक ना होने के बाद उन्हें अमेरिका में सर्जरी की करवानी पड़ सकती है। हालांकि इन दावों को लेकर शाहरुख खान या उनकी टीम की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। वहीं अपने करीबी दोस्त फराह खान की मां मेनका ईरानी के निधन पर नजर आने के बाद अब शाहरुख खान को सिद्धार्थ आनंद की पार्टी में देखा गया है। मेनका ईरानी का 27 जुलाई को निधन हो गया था और इस दौरान शाहरुख भी काफी परेशान दिख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी गौरी खान के साथ फराह खान के घर जाते हुए देखा गया था। बता दें कि शाहरुख और फराह के बीच की दोस्ती काफी पुरानी है, जो साल 1994 में कभी हाँ कभी ना के निर्माण के दौरान शुरू हुई थी। वहीं एसआरके के वर्क फ्रंट की बात करें तो एसआरके के लिए साल 2023 बेहद ही शानदार रहा और इस साल शाहरुख खान की तीन फिल्में पठान, जवान और डंकी रिलीज हुई थी और तीनों ही फिल्मों ने जबरदस्त कमाई भी की थी। अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो शाहरुख खान जल्द ही सुजॉय घोष की किंग में नजर आ सकते हैं और इस फिल्म में सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के होने की खबरें भी हैं। हालांकि फिल्म को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।